अयोध्या पांचवें दीपोत्सव पर एक और रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी। इन 12 लाख दिए में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पेड़ी में जलाए जाएंगे, वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। कोरोना के बाद अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालत यह हो गए हैं कि बहुत से राज्यों में डेंगू को काबू करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय टीमों को रवाना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इटली दौरे से भारत वापस आ गए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी के आगे बीजेपी ढेर हो गई है। दिनहाता और शांतिपुर वो सीटें हैं जहां 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इन सीटों पर टीएमसी ऐतिहासिक अंतर से जीती है। हिमाचल की हार से बीजेपी में चिंता की लहर दौड़ गई है। हिमाचल की 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए, इन 4 सीटों को कांग्रेस ने जीत लिया है। भारत के जॉब मार्केट में एक बार फिर से उछाल दर्ज किया गया है। इसमें अक्टूबर में सालाना आधार पर 43% की बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर 2020 में जो जॉब इंडेक्स 1,759 पर होता था, वह इस साल अक्टूबर 2021 में 2,523 पर ट्रेंड कर रहा है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले खाने के तेल की कीमतों में कमी की गई है। देश की बड़ी कंपनियों ने तेल की कीमतों में 4 से 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। दिल्ली के राजपार्क इलाके में मंगलवार की रात बदमाशों ने एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगोलपुरी औद्योगिक इलाके की है। बदमाश ऑटो चालक का शव सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। कल महालक्ष्मी पूजा और दीपावली पर्व मनाया जाएगा। स्कंद और पद्म पुराण का कहना है कि इस दिन दीप दान करना चाहिए, इससे पाप खत्म हो जाते हैं। ज्योतिषों का कहना है कि इस बार दीपावली पर तुला राशि में 4 ग्रहों के आ जाने से चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस दिन की गई पूजा का शुभ फल जल्दी ही मिलेगा। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।